फ्रेंड वेलकम बैक टू माई राज किचन। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पिज्ज़ा की रेसिपी, और जो बहुत इजी तरीके से बनता है, बहुत ही झटपट बनता है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। इसमें मैं ना ही चीज़ का यूज़ करूँगी और ना ही बटर का यूज़ करूँगी, और ना ही कढ़ाई में बनाऊँगी, ना ही आपको नमक रखना पड़ेगा। बहुत ही इसमें कोई झंझट नहीं है, आप इसे ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि कैसा बना है ये पिज़्ज़ा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनता है ये पिज़्ज़ा। मैंने बाउल ले लिया है और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे। एक कटोरी मैंने लिया है मैदा, ये देख सकते हैं आप, पर्पस फ्लोर, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, ये मैंने 2 पिंच के करीब लिया है बेकिंग सोडा, इसमें डाल देंगे। और बेकिंग पाउडर मैंने लिया है, ये देखिए थोड़ा सा ही लिया है, ये 4 पिंच के करीब होगा बेकिंग पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और 1/2 टीस्पून ली है मैंने शुगर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसे मिक्स कर लिया है, और अब इसमें हम डाल देंगे दही 4 टेबल स्पून, 4 से 5 टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे दही, और पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार करना है, और ये बहुत अच्छा सा डो बन के तैयार होता है, बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी। तो इस तरह से ज़रूर एक बार आप बनाइएगा। तो सबसे पहले हम मिक्स कर लेते हैं दही को इसमें, फिर उसके बाद पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए दही अब्सॉर्ब हो चुकी है इसमें, और इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक बार में ज़्यादा ना डालें। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है पूरा, तो थोड़ा सा इसको और ऐसे कर लेंगे, और इसे इसका डो हम तैयार करके इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे। इस तरह से इसे हम 10 मिनट कवर करके रख देंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो ये देखिए मैं जब तक डो मैंने रख दिया है सेट होने के लिए, जब तक वो सेट हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने मलाई ली है, ये दूध की मलाई है, क्योंकि इस पिज़्ज़ा जो मैं बना रही हूँ इसमें मैं चीज़ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी और ना ही बटर का यूज़ करूँगी। और इसे क्रीमी फ्लेवर देने के लिए इसमें मैंने लिया है दूध की जो मलाई होती है, गर्म करते हैं तो ऊपर से आ जाती है, ये मैंने वही मलाई ली है। ये देख सकते हैं 3 टेबल स्पून, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है, ये देखिए मलाई है। और इसके साथ इसमें मैंने लिया हुआ है 3 टेबल स्पून मैंने ली है वेज मेयोनी, और इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल क्रीमी, ये देखिए इस तरह से अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। तो इसे अच्छा से मिक्स करेंगे, आप विस्कर ले लीजिए या फिर ये फॉक ले लीजिए, इससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मलाई और मेयोनी दोनों अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, ये देखिए जितना हम इसको फेंटेंगे उतना ही ये मिक्स हो जाएगी अच्छे से। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, तो ये हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं और डो की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए ये डो भी सेट हो चुका है, तो इसको अच्छे से हम इस तरह से भी कर लेंगे इस तरह से, इसको हम इस पे फ्लोर पे ही करेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसको अच्छे से इस तरह से हाथों से करेंगे। इससे बहुत अच्छा ये बनता है डो, बहुत अच्छा तैयार होगा और बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बनेगा इस तरह से। इसे एक से दो मिनट तक हमें करना है। तो ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है, और इसको अब हम एक लोई बना लेंगे इस तरह से। तो इसको अब हम रोल करते हैं, इस पर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, और जितना बड़ा आपको रोल करना है, जितना बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है उतना ही बड़ा हम बनाएंगे। रोल कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा मोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसे, इस तरह से कर लेंगे।
बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता पिज़्ज़ा, थोड़ा सा मोटा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मोटा ही रखें। ये देखिए बीच से थोड़ा सा पतला कर देंगे, साइड से थोड़ा सा मोटा भी रखेंगे, क्योंकि जब हम पैन में रखेंगे इसे ना तो हाथों से सेट करेंगे इसे तो वो पूरा बराबर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से रहने देते हैं। तो अब हम पैन ले लेते हैं क्योंकि पैन में ही बनाना है इसे। तो पैन में सबसे पहले हम लगाएंगे घी, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं बटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसमें लगाएंगे घी थोड़ा सा, चारों तरफ से फैला लेंगे इसे। तो देखिए मैंने चारों तरफ से लगा लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें बटर का यूज़ कर सकते हैं, मैंने देसी घी लिया है, देसी घी मैंने लगाया है। और अब इसमें जो हमने रोल किया हुआ था इसमें डाल देंगे और हाथों से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे इसको, इस तरह से फैला देंगे, क्योंकि बीच में मैंने जो पतला थोड़ा सा रखा था और साइड का जो था वो मैंने मोटा रखा था, तो इस तरह से फैला देंगे, ये बराबर हो जाएगा। और इसके बाद इसमें मैंने फॉर्क लिया है, ये देखिए फॉर्क लिया है, और इसमें हम इस तरह से फॉर्क से कट लगा देंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्पेस डाल के इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हो गया। और इसके बाद इस पे ऐड करेंगे हम, ये मैंने लिया है पिज़्ज़ा सॉस, इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ ही मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लिया है मैंने टोमेटो सॉस, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स करके इसको स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से चारों तरफ से इसे फैला देंगे। तो ये देखिए पिज़्ज़ा सॉस भी लगा दिया। और इसके बाद ये जो मैंने क्रीम बना के रखी है इसे भी इसमें ऐड करेंगे, इसे इस तरह से फैला देंगे। इसको इस तरह से फैलाएंगे। इस तरह से हल्के हाथों से इसे फैलाते जाएंगे, क्योंकि नीचे जो सॉस हमने डाला है उसका कलर आ जाएगा पूरा, तो ये चीज़ी की तरह नहीं लगेगा। तो इस तरह से आराम से इसे इस तरह से फैला दें, ये देखिए इस तरह से, तो ये पूरा कवर हो चुका है। अब इसके बाद हम कुछ इसमें सब्जियां ऐड करेंगे, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ये टोमेटो के जो सीड होते हैं बीज की, वो उसे मैंने निकाल दिया है, तो स्पेस दे के थोड़ा सा इस तरह से इसमें लगा देंगे। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, इस तरह से एक एक रख देंगे। अनियन इस तरह से रख देंगे। जो सब्जियां आपको नहीं पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से अनियन डाल देंगे थोड़ा सा, और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑरेगानो डालेंगे। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, और इसके ऊपर से हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि मेयोनीज में नमक होता है, थोड़ा सा डालेंगे बस सब्जियां वगैरह जो डली हुई हैं। और इसके बाद ये जो क्रीम बच गई है तो अब इसे हम थोड़ा सा साइड साइड से लगा देंगे, और इस तरह से और थोड़ा सा इस पे टोमेटो के ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो ये देखिए रेडी हो चुका है, तो अब इसे हम कुक करते हैं। तो ये देखिए सारे पे मैंने क्रीम भी लगा दी, ऊपर से थोड़ा सा ऑरेगानो और लगा दिया था, तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। तो ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, और इस पे थोड़ा सा जो ऊपर से इस तरह से दिख रहा है इस पे हल्का सा हम घी लगा देंगे। तो ये देखिए देखने में लग रहा है ना एकदम मस्त मज़ेदार सा। तो अब इसे कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसे हम 10 मिनट तक कुक करेंगे।
तो गैस का फ्लेम स्लो कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, वाओ कितना अच्छा सा लग रहा है देखने में ही। तो चेक कर लेते हैं हम ये अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं। तो ये मैंने लिया टूथपिक, इससे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, ये आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं लगा। तो ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा बना हुआ है। तो अगर आपके पास भी चीज़ नहीं है या फिर वेज मेयोनी नहीं है, तो आप मलाई से भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बस मलाई ले लीजिए, थिक मलाई होनी चाहिए। मलाई में थोड़ा सा बिल्कुल नमक डाल के उसे अच्छे से आपको फेंटना है, और उसके बाद इसमें आप ऐड करके पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन जाता है। तो ये देखिए, मेरे पास मेयोनीज़ था तो मैंने उसे मिक्स करके बनाया, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना। तो चलिए मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। दोस्तों मैंने इसे सर्व कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, इसे कट कर लिया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में ही, और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा बनता है ये। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ एक निकाल के, ये देखिए, ये देखिए कितना टेस्टी सा बना हुआ है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है पिज़्ज़ा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।